हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मिनी व्लॉग्स में। तो आज बनाने वाले पास्ता तो ऑलरेडी मैंने तैयारी करके रखी है। आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पास्ता मसाला, और चाहिए हमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने ऑलरेडी कट करके रख दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी पास्ता को उबाल के रख दिया है। तो अभी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। तेल डालने के बाद आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। इसके बाद आपको हरी मिर्च डालना पड़ेगा। आप इसको लाल होने तक पकाते रहिए, फिर आप ऑनियन डाल दीजिए। ऑनियन को भून लीजिए। ऑनियन भूनने के बाद फिर आप अभी थोड़ी देर के बाद आप फिर आलू डाल दीजिए। आप आलू डालिए अच्छी तरीके से, मैश अच्छी तरीके से आपको घुमाते रहना है। फिर शिमला मिर्च भी डाल दीजिए। शिमला मिर्च डालने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। इसको ढकने के बाद ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। अब टमाटर भी डाल दीजिए। टमाटर जब आप डाल देंगे फिर आपको इसको थोड़ी देर के लिए, मीन्स एक मिनट के लिए ढक देना है। फिर आपको नमक आप अभी डालेंगे इसमें। नमक डालने के बाद आप अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डालिएगा और हल्दी, और ये पास्ता मसाला जो कि हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम पास्ता जैसे बना रहे, तो पूरा फ्लेवर आने के लिए अच्छे से इसको मिलाइए ताकि पूरे मसाले अच्छे से गोल घोल हो जाए, ताकि उसका तड़का अच्छी तरीके से आए। अब हमारे हीरो मींस पास्ता को हमें डालना पड़ेगा। आप पास्ता डालिए, अच्छे से घुमाइए। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे पास्ता ऑलरेडी यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपको पास्ता को 5 से 7 मिनट तक आपको उबालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कच्चा नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा भी बॉईल मत कीजिएगा। ये ज़्यादा बॉईल करने से आपका पास्ता बिगड़ जाएगा, वो खिचड़ी बन जाएगी। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान कीजिएगा। इसमें हरा धनिया डाल के इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पास्ता रेडी। तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए और मज़े में रहिए।